हिरण का बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां एक कार सवार ने होंडा एक्टिवा पर सवार दो युवकों को टक्कर मारी और उसके बाद गाड़ी के पीछे गिरे युवक को बेरहमी से कुचलकर फरार हो गया। इस हादसे में एक युवक की उपचाराधीन अवस्था में मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। ये घटना 14 जनवरी की है, जब ये दोनों युवक काम खत्म कर होंडा एक्टिवा से घर लौट रहे थे कि तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते एक युवक कार के आगे तो दूसरा कार के पीछे गिर गया। कमाल की बात यह है कि टक्कर मारने के बाद कार चालक ने कार को दोबारा बैक किया और फिर सड़क पर पड़े युवक को रौंदता हुआ मौके से फरार हो गया। इस हादसे में युवक राजेश ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने कार को तो बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उनकी मांग है कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाए। हादसे में मारे गए अंकित की शादी फरवरी में होने वाली थी। घर में दुल्हन आती कि इससे पहले अंकित के घर उसकी अर्थी उठ गई। इस घटना के बाद न केवल अंकित के माता पिता और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, बल्कि आसपास के लोग भी इस घटना से आहत हैं। वहीं मौके के चश्मदीद यानी अंकित के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहे घायल अंकित के दोस्त राजेश के मुताबिक अंकित और वो मुजेसर इलाके में अपनी वेल्डिंग की वर्कशॉप को बंद करके 14 जनवरी की रात 10 बजे घर लौट रहे थे कि तभी ये हादसा हुआ। आरोपी कार चालक ने उन्हें टक्कर मारने के बाद अंकित को दोबारा कुचलते हुए मौके से भाग गया। क्या नाम है आपका? राजेश। आदेश? राजेश। राजेश 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 स्कूटी से आ रहे थे, क्या हुआ मामला, क्या घटना हुई? भाई शाम को 9:30 का टाइम था, हम वर्कशॉप बढ़ा के घर की तरफ आ रहे थे। मुझे सर की तरफ सब लाल बत्ती है, उससे पहले ही झुग्गियों के पास हम दोनों आ रहे थे आराम से, दोनों भाई बात करते हुए। सामने से एक बंदा, जैसे ही उसने हमें देखा, उसने गाड़ी की स्पीड एकदम अपनी से रफ्तार से दुगनी करके और स्कूटी में इतनी बुरी तरह मारी, बुरी तरह मार के वो रुका भी नहीं। वहाँ उसने बहुत बुरी तरह मारा, देखने के बावजूद भी पूरी कोशिश करके भाई के ऊपर 2-3 बार गाड़ी चढ़ाई है, रोकने के बावजूद भी वहाँ 2-4 बंदे जो खड़े थे उन्होंने कहा कि भाई रुक जा, वो तब भी नहीं रुका। उसके ऊपर बारंबार गाड़ी चढ़ाता रहा है जब तक उसकी जान नहीं निकल गई है। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया, रोकने के बावजूद रुका नहीं। इस संबंध में एक्सीडेंट की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है, एक्सीडेंट में चोट लगने की, लेकिन लेटर ऑन उसकी जो पीछे जो सवार था उसकी डेथ हो गई है और पुलिस इसमें आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करेगी। आरोपियों की गाड़ी पुलिस के कब्जे में है और आरोपी को जो उचित धाराएं हैं कानून के अंतर्गत उनमें अरेस्ट करेगी। उससे पहले इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया था उसको अभी तक, क्योंकि वो जिसको चोट लगी थी वो हॉस्पिटल में था, और अगर उसको हम पहले जो एक्सीडेंट की धाराओं में अरेस्ट करते तो उसी मुकदमे में दोबारा अरेस्ट करने में कानूनी जो पेचीदगियाँ होती हैं उसके अंतर्गत मुश्किल आती है। अभी एक मृत्यु